गुड मॉर्निंग गाइज, हम जा रहे हैं एक मिनी वेकेशन पे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ये जो वेकेशन होती है क्रिसमस की, इनमें आप थोड़ा सा छोटा सा टूर बना सकते हैं। तो मैंने भी कहा था मैं घूमने जा रही हूँ, तो मेरे साथ मेरी सिस्टर की फैमिली भी जा रही है। और आद्या का आपने व्लॉग देखा होगा जो मैंने डॉल हाउस का डाला था, लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं मिनी वेकेशन पे, कहाँ जा रहे हैं ये तो वहाँ जाकर ही बताएंगे। सो गाइस, हम स्टॉपिंग वाली जगह पे रुक गए हैं क्योंकि बच्चे हैं साथ में, तो थोड़ा सा कुछ खाना पीना तो है ही। तो यह है चीतल ग्रैंड, जहाँ की हम रुकते हैं। ये घर से करीब 1-1.5 घंटे बाद पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खाया पिया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी जगह है बीच में रुकने के लिए, जहाँ पर हर तरह का आपको स्नैक्स मिल जाएगा। आप चाहे साउथ इंडियन खाना चाहें, चाइनीज़ खाना चाहें, सब कुछ मिल जाएगा। तो बच्चे भी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये है नित्या, जिसे बहुत मज़ा आ रहा है। हेलो। और वो है आद्या। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। ये दो लोग हैं जो चेहरा छुपा रहे बाकी लोग तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या मंगवाया जाए, बच्चे क्या खाएंगे और हम क्या खाएंगे। तो हमने ऑर्डर किया है सैंडविच, वेज सैंडविच, पराठा, ब्रेड ऑमलेट और पकोड़े जो आते ही चट हो गए। ये रखे पकोड़े बहुत टेस्टी है। यहाँ से आप मिक्स पकोड़ा ऑर्डर कर सकते हैं। ये है सांबर बड़ा और क्या आ रहा है अभी, टी आ रही है और ये डोसा, मसाला डोसा। तो आप जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत अच्छी सर्विस है, तुरंत ये पेश कर देते हैं आपके आगे। देखिए हमने ऑर्डर किया और हार्डली 5 से 7 मिनट के अंदर सारी डिशेज आ गई। सो अब हो गए हैं सुबह के 11:30 और हमने ब्रेकफास्ट किया, ये लंच ब्रंच सब साथ में हो गया है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, आप सीधे लैंसडाउन ही रुकेंगे। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, तो वहाँ जाकर आपको पिंग करूँगी कि मैं इतने बजे पहुँच गई, तो आप उस हिसाब से अपने घर से निकल सकते हैं। चलिए लैंसडाउन की ओर। सो अब बज रहे हैं करीब 3 और हम पहुंच गए हैं रियो रिज़ॉर्ट, मेरे फेवरेट रिज़ॉर्ट में। और अब बस रूम्स की कीज़ मिल जाएंगी और हम अपने रूम्स में जाएंगे। और इस जगह मैं करीब करीब हर साल ही आई हूँ, साल में एक बार इसी टाइम पर आती हूँ, तो इस बार भी इसी टाइम पे आई हूँ। और इसका पूरा व्लॉग आप मेरा देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाए हुए हैं। एक है लैंसडाउन, कैसे आ सकते हैं, किस टाइम चलेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, कैसे आएंगे, वो है। और एक प्रॉपर रियो रिज़ॉर्ट का ही डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो लैंसडाउन में आपका स्वागत है। तो मैं फिर से अपने फेवरेट रूम यानी 204 में ही रुकी हूँ, जो कि 2nd फ्लोर पर है, क्योंकि यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ बालकनी से आप पहाड़ियाँ भी देख सकते हैं और नदी भी। इस बार रियो रिज़ॉर्ट में कुछ नए एडवेंचर ऐड किए गए हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। तो देखिए ये जो इन्होंने स्विंग लगा रखा है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारी आद्या उस पर झूल रही है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये छोटे बच्चों के लिए जो शायद धूप में रह के अब टूट गया है, तो इन्हें थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का स्विंग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और वो हो रहे हैं वहाँ पर तीरंदाज पैदा। ये देखिए प्रैक्टिस की जा रही है कि कैसे निशाना साधा जाए। ये पहले नहीं था, ये अब लगाया गया है, तो बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का तरीका है। लगाओ लगाओ निशाना लगाओ। भाई साहब रामचंद्र जी लोग महान थे। चलिए निशाना साधिए। वाह, अब मैं निशाना साध रही हूँ बंती की तरह, एक आंख बंद कर रही हूँ। पर अफसोस की बात कोई धर्मेंद्र नहीं है मेरी मदद करने के लिए, मैं खुद ही निशाना लगाऊंगी। चल धन्नो। ये देखिए यहाँ पर हमारे लिए सर्विसेज शुरू हो गई हैं। तो बच्चों को भूख लग रही है तो स्नैक्स आ गए हैं, जैसे सैंडविच हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गई, और हमें टी की ज़रूरत महसूस हो रही है तो टी भी है। तो देखिए बैठने की कितनी अच्छी जगह बना रखी है, आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है नेचर के करीब हैं। दाल ने अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो प्लेट छलांग मारने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और रात होते ही इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी शुरू हो जाती हैं। देखिए बॉनफायर का इंतज़ाम होता है, जो सब लोग जब साथ में बैठते हैं तो अलग ही मज़ा आता है। और हम अपने साथ हुक्का भी लेकर आए हैं तो हम उसका मज़ा भी ले रहे हैं। देखिए गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है। आप नदी की आवाज़ सुनिए, नदी देखिए भी। और मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि अपना रूटीन ब्रेक नहीं करती तो मैं जा रही हूँ। अभी तो ठंड बहुत लग रही है तो जैकेट डाली हुई है, जैसी थोड़ी गर्मी लगने लगेगी जैकेट उतर जाएगी। तो चलिए मॉर्निंग वॉक पे चलिए। ये देखिए इधर उग रहे हैं सूरज और ये है ऊपर चांद। वैसे तो पहाड़ों पे धूप बड़ी तेज होती है पर टहलने में बहुत मज़ा आता है, और सुबह तो और भी ज़्यादा। सो ये है रियो रिजॉर्ट और मैं वॉक करके वापस आ गई हूँ। अब जा रही हूँ नीचे, गर्मी आ गई है, जैकेट उतारने का मन हो रहा है। पता है वॉक या रनिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि आप जो सर्दी में ठिठुर रहे होते हैं उससे अचानक से आपके अंदर इतनी एनर्जी आती है, ब्लड आपका इतना अच्छे से सर्कुलेट होने लगता है। तो वो जो आप सर्दी से ठिठुर रहे होते हैं, बाहर नहीं निकलना, रजाई से बाहर नहीं निकलना, घूमना नहीं, कहीं जाना नहीं, वो भूल कर आप पूरी तरह से नेचर के साथ इंजॉय करना सीख जाते हैं। ये देखिए पीछे नदी की आवाज़, अब पानी बढ़ गया है थोड़ा तो बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है। अब हमने मॉर्निंग टी ऑर्डर की है तो बस नदी की आवाज़ सुनते हुए टी पियेंगे। तो अब हम लोग पानी में आ गए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है, पेट भर गया, और बच्चों को पानी का मज़ा लेने के लिए लेकर आए हैं। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाए यहाँ आने से। देखिए बच्चे कितने मज़ा कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा धूप सेकने के लिए ऊपर बैठी हूँ। मेरे पैर बिल्कुल जाम हो गए ठंडे पानी से। ये देखिए दोनों बच्चियाँ आद्या और नित्या ये यहाँ के स्टोन्स कलेक्ट कर रही हैं। यहाँ के स्टोन से यहाँ की यादें बनी रहेंगी और अपने घर जाके वहाँ अपनी सहेलियों को भी तो दिखाना है। पानी के बीच तो मुझे भी इतना अच्छा लगता है कि बच्ची बन जाती हैं बिल्कुल। तो बच्चे यहाँ पहली बार आए हैं तो जा रहे हैं लैंसडाउन घूमने के लिए, लेकिन अगर पूरे लैंसडाउन का टूर आपको देखना है तो इसके लिए मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को देखना होगा जो लैंसडाउन टूर डेडिकेटेड है। तो उस पर जाइए और देखिए कौन कौन सी घूमने की जगह है। तो वो चीज़ मैं रिपीट नहीं करना चाहती, आप आइए और ख़ुद यहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए कि घूमने की कौन कौन सी जगह है। तो अब बच्चों को घुमाने का टाइम हो गया है, चलते हैं। तो मैं लैंसडाउन रियो रिजॉर्ट से करीब 20 किलोमीटर दूर है तो जाने में थोड़ा ही समय लगता है, लेकिन आप वादियाँ देखते हुए जाते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता, और साथ साथ इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है कि दिल खुश हो जाता है। यहाँ के म्यूजियम में जाना मत भूलिएगा, वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, लेकिन बाहर तो आप मजे कर सकते हैं। और भी जगह है घूमने, लैंसडाउन का मेरा पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए। ये है चर्च जहाँ बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। ये टिप एंड टॉप से इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है कि आप वहाँ से आना ही नहीं चाहेंगे। और भुल्ला ताल में नई नई एक्टिविटीज़ और ऐड की गई है। ये बड़ा सा झूला लगाया गया है जिस पर बच्चे और बड़े सब झूल सकते हैं। तो देखिए हमने भी बहुत मज़े किए यहाँ पर। तो ये हम आ गए हैं भुल्ला ताल में और बोटिंग कर रहे हैं। तो दोबारा से बोटिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है, लास्ट ईयर भी मैंने किया था पर इस बार बच्चे हैं तो शायद ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए भुल्ला ताल का नज़ारा, और ये चलाने वाले लोग, मैं आराम से बैठी हूँ, आद्या आराम से बैठी है और ये दो मेहनत कर रहे हैं, और मैं और आद्या मस्त बैठे हैं, मजा ले रहे हैं। ये देखिए हमारे जो एक्स्ट्रा पैसेंजर थे वो नेक्स्ट बोट में आ रहे हैं। आजा। अरे यू टर्न मार लिया। कहते हैं ना, आप अपनी बिजी लाइफ से अगर थोड़ा सा भी समय निकालकर प्रकृति की गोद में आते हो, नदियों के बीच, पेड़ों के बीच, तो अलग सा सुकून महसूस होता है। तो वही सुकून लेने के लिए मैं लैंसडाउन आती हूँ, एवरी ईयर आती हूँ और रियो रिजॉर्ट में ही रुकती हूँ। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर साथ ही नदी बहती है और उसका पानी का जो शोर होता है ना, वो सुन के सारी टेंशन, सारी परेशानी कहीं गायब हो जाती है। अगर आप कभी लैंसडाउन आए तो रियो रिजॉर्ट में एक बार रुक कर देखें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये जगह वाकई में मुझे बहुत पसंद है। सो अब हमारे वापस जाने का टाइम है। हम सब ने अपना लगेज पैक कर लिया है और निकल रहे हैं। और सब ने 2 दिन खूब मस्ती की है, बहुत मज़ा आया है। तो वापस अपनी ही लाइफ में, अपनी घर वापस जाने का समय आ गया है। तो चलिए चलते हैं। बाय बाय लैंसडाउन, बाय बाय रियो रिजॉर्ट।